अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, देखिए ये वाहन नंबर 7 है और कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर मोहन साहब के भाई सिराज थरूर साहब का वार्ड है। ये देखिए ये हालत है, ये बाबू फूल वाले की गली है। यहाँ से ये कब्रिस्तान की दीवार के बाहर ये गंदगी है और काम देखिए यहाँ का, इनका जो विकास है वार्ड नंबर 7 के नगर सेवक कब्रिस्तानी नगर सेवक सिराज थरूर मोहन साहब का जो विकास, देखो ये विकास है। और यहाँ से जो मैयतें हैं, जो मैयत लेके आते थे वो आना भी बंद हो चुकी है, मैयत घुमा के आती है। ये गली इतनी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ का देखिए काम देखिए, ये गंदे पानी में से लोग आते जाते हैं, गंदे नाले के पानी से लोग आते हैं, इसी की इस वजह से लोग यहाँ से मैयत लाना बंद कर चुके हैं। ये कैसा विकास करते हैं, ऐसी वादे की राजनीति करते हैं, काम इनके पास है नहीं। और ये दीवार देख रहे हैं, ये आज से 9 साल पहले अनिस भाई मोहन साहब ने ये दीवार को बड़ी कर दिया। नहीं तो इनका बस चलता ना तो बाइक इसके अंदर से आती है, गू भी इसी के अंदर होता, कब्रिस्तान की गंदगी है, कब्रिस्तान के अंदर गिरती है। देखिए ये रोज के विकास इनका, ये बहुत मजबूरी पे आज कारपोरेटर काम नहीं कर रहे हैं तो युवा पीढ़ी को रोड पर उतरना पड़ रहा है। देखिए ये देखिए कब्रिस्तान का गेट है और ये गेट को बंद रखा गया है, यहाँ से मैयत नहीं लाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदगी है, गंदा पानी है, मैयत नहीं आ सकती है। ये कैसा काम कर रहे हैं कारपोरेटर लोग। तो मेरी सिराज थरूर मोहन साहब से गुजारिश है और शशि थरूर साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे भी गुजारिश है, आप अपने भाई को कहिए कम से कम इन सब चीज़ों पर तो ध्यान दें।